चसन को, अरे यार आप लोग बहुत कम बच्चे आते हो ना, बट डोंट वरी, सतीश कुमार गुड इवनिंग, सब शेयर कर दो बेटा, सेशन को शेयर कर दो, साउंड टाउन क्या है बताओ जरा सा, साउंड कैसा है साउंड, और हाँ मेरा फेस थोड़ा सा काला आ रहा होगा। हाँ देखो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सौरभ कुमार सर जी क्लास ट्वेल्थ न्यू बैच, क्लास ट्वेल्थ का न्यू बैच हम 4 बजे शाम में दिया हूँ मैं, है ना, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 4 बजे शाम में। सतीश कुमार गुड इवनिंग, दीपक घोष, दीपक तू बड़ा एब्सेंट रहता है यार, क्या रीजन, 2 क्लास तुम मिस किए हो, है ना दीपक। सतीश तो स्टार्ट हो जाओ मेरा बच्चा, स्टार्ट हो जाता हूँ मैं, चाहता हूँ कि आज का टॉपिक चैप्टर 6 में है और द आर्टिस्ट है, कलाकार की कहानी है, एक बहुत एकदम इंटरेस्टेड स्टोरी है और ये शॉर्ट स्टोरी है मेरे बच्चे, जापान का कहानी है। पहले फोटो देख लो जिस व्यक्ति के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले लेखक के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो ये स्टोरी राइटर मिस्टर सिगा नोया, ओके जैपनीज है सिगा नोया, स्पेलिंग NAOYA, जबकि NA साइलेंट होता है तो बोलना है नोया, NOYA, ये साइलेंट होता है। थैंक यू दीपक घोष, सॉरी सर यार सॉरी काम नहीं चलेगा, तुम बड़ी एब्सेंट रहता है मेरे बच्चे, तुम पर नाज हमको है दीपक, तुम डेली मेरे, मैं कल से स्टार्ट हो गया क्लास, आ जाओ, अच्छा कल से क्लास स्टार्ट हो गया ऑफलाइन, है ना, चलिए ठीक है। ये फोटो मैं चाहता हूं पहले इस व्यक्ति का फोटो देख लो, मेरा फोटो मत देखना, मेरा फोटो नहीं चाहिए, बिकॉज मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, फोटो इनका चाहिए जिसको आपको पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, जिसका अध्ययन करना है। देखिए सिगा नोया है ना, चैप्टर 6 है ना बेटा, चलिए और आपका यहां से इनके बायोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। रोहित कुमार थैंक्स सर, कल से यस यस कल से सौरभ, देखो बेटा ऑफलाइन भी क्लास लूंगा, ऑनलाइन दोनों लूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लूंगा, और दोनों में पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज 10 डेज का लीव जो हुआ है उसका मेकअप कैसे होगा मेरे बच्चे, मेकअप कैसे होगा बताओ। ये जो सिगा नोया का जो फोटो के सहित इसका बायोडाटा जो लिखे हैं, द आर्टिस्ट शेयर कर दो, सतीश कुमार तो लेक्चर देना शुरू कर दें, दीपक अभी मैं एब्सेंट रहूंगा सर, अच्छा ठीक है लेकिन लाइव में तो रहो यार, 7-7:30 के रेंज में आ जाऊंगा हम लाइव, यार प्लीज लाइव में तो कंटिन्यू रहो बना हुआ। देखो दीपक एक एक नंबर जरूरी है मेरा बच्चा, क्योंकि 90, 95, 96, 98 तक इंग्लिश में लाया है मार्क्स नबाड़िया स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं आप भी इसमें पार्टिसिपेट रहो, अगला सेशन आपका हो। चलिए तो डिस्कस करने के अलावा मैं कुछ पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं चैट करते रहना, लेक्चर स्टार्ट रहेगा, स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू रोहित थैंक यू, तो मोबाइल को रख देता हूं, देखो मेरा फोटो नहीं आएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि किसी भी कहानी को पढ़ने के पहले उसके लेखक का जीवनी पढ़ना पड़ता है, चाहे कविता पढ़ो या कहानी पढ़ो, दोनों का एक ही सेशन है, एक ही चीज है कि लेखक उनके लेखक के बारे में, जैसे कविता पढ़े तो हम लोग पोएट्री जो है पोएटिस या पोएट इसके जीवनी चाहिए, उस प्रकार हम पढ़ सकते हैं अंग्रेजी का कहानी चल रहे हैं, तो आज स्टोरी पढ़ रहे हैं, आ जाओ थोड़ा सा मैं बात करता हूं। मैं देखिए ये लेखक द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, 6 नंबर पेज में आता है, 6 नंबर चैप्टर में है, सिगा नोया इनके लेखक हैं, और सिगा नोया वॉज अ जैपनीज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एक्टिव ड्यूरिंग द टाइसो एंड सोवा पीरियड ऑफ जापान, ये कहानी जापान का है मेरे बच्चे, और ये लेखक जापान का है तो जापानीज कहलाए, ये बहुत ही मशहूर उपन्यासकार और लघु कथाकार थे, और वो उस समय
साइनिंग में थे, वो उस समय एक्टिव थे जब जापान में तैसो और सोबा का शासन काल था। आप समझ सकते हैं तैसो सोबा का शासन काल 1912 से लेकर 1926 तक रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। जापान का जो इतिहास पढ़ोगे तो तैसो और सोबा एक शासनकर्ता थे, रूलर थे, 1912 से लेकर के 1926 तक का उनका रहा है, रिनेसेंस रहा है, उसको कह सकते हैं हम शासनकाल, है ना। तो तैसो सोबा जब शासन करता था जापान में, उस समय के बहुत ही मशहूर नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो जापान के थे। उनका जन्म के बारे में जान लेंगे मेरे बच्चे, उनका जन्म फरवरी में हुआ था, 20 फरवरी 1883 को, और वो जगह था इसिनोमाकी मियागी। अब गौर करो, पहले नाम थोड़ा टेढ़ा है, जैसे नवादा रहते हो तो नवाडा, रजौली, ये आप नवीन नगर, तो ये सारे जापान में एक अलग अलग इसका नाम ही होता है दोस्त। तो प्लेस का नाम है इसिनोमाकी मियागी, परफेक्चर जापान के रहने वाले थे। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसिनोमाकी एक मोहल्ला हो गया और मियागी, देखो प्रॉपर नाउन की पहचान हम सीधे करते हैं, गौर करो, किसी भी गांव, प्रदेश, शहर, जिला के नाम प्रॉपर नाउन होता है, उसका प्रथम अक्षर कैपिटल होगा, ऐसा ही माना जाता है, सीधे समझ जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो ऐसो हम बता रहे हैं भाई, इसिनोमाकी आप गूगल में सर्च करोगे, एक प्लेस है जो जापान का एक शहर है, ये मियागी परफेक्चर जापान के ही इलाके पड़ता है, और एक शहर, एक प्रकार का सिटी बोल सकते हैं, वहां जन्म हुआ था किनका भाई। तो ये क्वेश्चन में आएगा आपका, फरवरी 20, 1883 में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के तुरंत उपरांत आप ये जानना चाहिए किसी के डेथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बॉर्न पढ़ोगे तो डेड पढ़ना ही पड़ेगा तेरे को। उनका जन्म तो हुआ था फरवरी में 20 में, लेकिन अक्टूबर 21, 1971 में उनका मृत्यु हुआ। अतामी नामक जगह था, सिजुका परफेक्चर जापान में पड़ता है वो, अतामी है ना, उनका जन्म हुआ था अटामी में, और इस सुजुका नामक जगह है जापान में पड़ता है वो, तो अटामी नामक गांव या मोहल्ला लोकेलिटी, और ये आपका शहर बोला जा सकता है, और जापान देश हो गया आपका। इस तरह से जन्म के बारे में हो गया चर्चा। मैं चाहूंगा एजुकेशन के बारे में, कहां से, तो कहां शिक्षा प्राप्त किए थे हमारे सिगानोया साहब, तो उनकी शिक्षा एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, तो कैपिटल में हुआ था, ये आप जानते हो, है ना। बचपन में हम जापान की राजधानी नहीं जानते थे, तो हमसे पूछा गया था जापान का धानी क्या है, तो सीधे ही सिंपल में याद कर लिए, टोक दिया तो टोक दिया, अब ना हमको टोक्यो, सीधे टोक्यो से समझ जाते हैं जापान का कैपिटल हो गया बेटा। तो सीधे जान लो जापान के लोग, जान लो जापान का जब नाम लेते हैं तो एकदम जापान का ट्रेन सिस्टम, जापान का टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में नंबर वन चलता है, ये आप जान लो। सब जानता है कि जापान का टेक्नोलॉजी, जो अभी हम ट्रेन चला रहे हैं ना, मेट्रो अभी कर रहे हैं, जापान लगता है 50 साल पहले वो कर चुका था। आप बात कीजिए, जो अभी हम कर रहे हैं 50 साल पहले वो है, वो हमसे 50 साल आगे है, याद रखना तुम, इस सच्चाई यही है। जापान में जो केरोसिन चलता है उसका नाम है येन और सेन, जबकि बांग्लादेश में टका, इंडिया में रुपया, है ना, अलग अलग कंट्री में दिरहम दिनार इसे होता है। तो यहाँ इस कहानी में आपको राजधानी पढ़ना ही पड़ेगा, वहां प्रखंड पढ़ना पड़ेगा, सो ये जो कहां के रहने वाले हैं साल पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ये किताबें, उनकी सबसे फेमस किताबें कौन था, गौर करना पहले, उनकी सबसे फेमस किताबें ए डार्क नाइट ऑफ पासिंग बोल सकते हैं, ए डार्क नाइट, ये बुक का नाम है, एक अच्छे किताब लिखे थे, और यही किताब फेमस हुआ मेरे बच्चे, याद रखना, उनकी सबसे फेमस पुस्तक ए डार्क नाइट पासिंग, एक अंधेरी रात का गुजर जाना, एक अंधकार रात, एक दुख भरी रात का गुजर जाना, है ना, ए डार्क नाइट पासिंग कह सकते हैं इसको आप। ये डार्क नाइट का मतलब क्या होता है, एक अंधियारी रात, अंधियारी मतलब क्या समझ सकते हैं इस कहानी में, इसमें हम पढ़ाऊं, या देख तकलीफ, पेनफुल नाइट कह सकते हैं उसको, पेनफुल, जो जीवन हमने दुख भरी बिताया वो गुजर जाना, सुख के दिन आया, दुख के दिन बीते रहे भैया, ये बीत गया, डार्क नाइट मतलब है अंधकारी रात। ये आप बहुत अच्छा नॉवेल है, याद रखिएगा। तो मैं फिर से बात कर लेता हूं आपको, मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन कुछ, और मैं चाहता हूं कि कितने बच्चे जुड़े हुए अब तक हैं, चलिए बहुत कम है, डोंट वरी, हम एक रन पर बल्लेबाजी करना सिखाऊं मैं, बाद में देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन है दीपक घोष, लिखो बेटा, मैसेज लिख के बोलना, बताओ उनका जन्म ईयर बताओ, बर्थ ईयर बताओ, तो सिगानोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ, सिगानोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ, बर्थ ईयर, सिगानोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ, सिगानोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ, जल्दी जल्दी, सिगानोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ,
प्लीज सीगा नोया का बर्थ ईयर लिख के बताओ, जल्दी करो। आई एम वेटिंग, ओके आई एम वेटिंग डियर। 1971, ओके थैंक यू, गुड कमेंट्स रोहित कुमार। देखो मेरा पूछने का मकसद यह था, दिशा टीचिंग बोल रहा है 20/18/23, प्रिया सिंह बोल रहे 1971, महीना बोलो, देखो मैं चाहता हूं जब शासन कर रहे थे, जब एक्टिविस्ट थे, ड्यूरिंग नोबेलिस्ट बने हुए थे सीगा नोया, तो बता सकते हो क्वेश्चन, तो वहां शासन कौन कर रहा था जापान में? ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जापान में शासन कौन कर रहा था? तैसो एंड सोबा, यार चलो तैसो एंड सोबा, चलो तुम लोग शेयर वेयर करते नहीं हो यार, बड़ा तकलीफ होता है। चलो ठीक है, कहानी स्टार्ट करता हूँ। अरे बहुत कम है यार, आई कैन नॉट टॉक अबाउट दिस मैटर, कम रहता है, बहुत कम रहता है, अभी देख रहे हैं। ओके डोंट वरी डियर, आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं इंग्लिश हिंदी सब कर दिया हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश करते जाऊँगा, हिंदी तुम देखते रहना। हाँ स्पेशल ऐसा काम करने में स्पेशल स्टाफ बैठता है जिसकी एक सैलरी दिया जाता है, एक स्टाफ है उसी के अंतर्गत संपन्न होता है। हाँ तैसो एंड सोबा, दीपक बोल रहा है, थैंक यू एंड थैंक यू। तुमसे क्वेश्चन एक आ सकता है दीपक, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट राइटर थे, या बायोग्राफर थे, या तो बायोग्राफ लिखने वाले थे, क्या थे आप? तो बोलेगा नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन है। तो द फर्स्ट पैरा, पैराग्राफ वन, ओके ओके ओके, फिर बात करेंगे आपसे, एक दिन आए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा अच्छा पढ़ाइए, बस तो अच्छा जल्दी दो, एक दिन आए थे सर से खर्चा करवा लेंगे, श्योर 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 श्योर, थैंक यू थैंक यू। ओके डियर, तो दीपक घोष यस, दीपक घोष चलो पैराग्राफ वन चलते हैं। कितना पैराग्राफ हम पढ़ाता हूं, अभी तो लेखक का जीवनी हुआ था, लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं लेखक का एक कहानी का पैराग्राफ। आइए, एक कहानी एक ऐसा लड़का का है जो एक सेबी नाम का लड़का का कहानी है। इसमें मेन कैरेक्टर, हीरो बोलो, विलन बोलो, या जो भी बोलना है सब कुछ बोलो, एक्टर बोलो, एक्ट्रेस बोलो, डायरेक्टर बोलो, कैरेक्टर बोलो, मेन कैरेक्टर बोलो, जितना भी कह सकते हो, केवल एक ही व्यक्ति पर खत्म होता है और एक ही व्यक्ति शुरू होता है, उसका नाम है सेबी। सेबी एक लड़का है, उसी लड़का का एक कहानी है जो बड़ा दुख भरी कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे क्वेश्चन समरी, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी आएंगे लास्ट में कर दिया जाएगा। इसे पार्ट वन पार्ट टू भी चलेगा, ये पार्ट वन दिया हो, लेक्चर वन चलेगा आज, लेक्चर टू भी कल चलाएंगे, लेक्चर थ्री भी, तीन लेक्चर में चाहूंगा खत्म कर दूं मैं, है ना कहानी। तो आइए, एक सेबी का कहानी है, तो सुनिए सेबी क्या था लड़का वो। तो ये कहानी सेबी का है जो कैसे एक होनहार बालक को उसके माता पिता गुरुदेव उसको भविष्य को बर्बाद कर देता है, भविष्य के साथ खेल जाता है। देखिए ये कहानी किस चीज पर आधारित है समझिएगा पहले। देखिए आजकल के माता पिता का केवल एक ही सोच रहता है कि पढ़ लिख करके मेरा बेटा कुछ ज्यादा कुछ करेगा, ये पढ़ के डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, यूपीएस पास करेगा, अफसर है, किसी का दरोगा है, प्रभारी है, सबका अलग अलग सोच है। कोई लोग साइंटिस्ट बनवाना चाहते हैं तो कोई, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है कोई, लेकिन किसी भी गार्जियन का ये सोच नहीं रहा है कि हम क्रिकेटर बनावे, हम सिंगर बनावे, हम आर्टिस्ट बनावे। तो इस तरह का सोच आमतौर पर जनरली कम है, किसी को फुटबॉलर बनावे ऐसा। अगर कोई लड़का खेलने जा रहा है, खेल में खूब इंटरेस्ट ले रहा है, तो माता पिता के अगर खेलते रहता है तुम बदतमीज, पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा? देखो तो बता, बेटा पढ़ के कुछ बन गया, आर्मी बन गया, सोल्जर बन गया, ये बन गया, आर्मी बन गया, नेवी बन गया, एयरफोर्स बन गया है। अरे कोई देखा है खेसारी लाल को? बताओ, बकरी चलाने वाला आदमी, जहां तहां नाचने गाने वाला व्यक्ति,
कहां तक पहुंच गए, ये बड़प्पन की बात है ना। का एक प्रसंग पढ़े लिखे है, आप सब लोग जानते हैं। तो मेरे बच्चे, ज्ञान जो है सरस्वती को जब जानते हो ना, तो एक अच्छे जानकार के लोग अगर रहेंगे तो सरस्वती को जानिएगा ना बाबू। तो सरस्वती माँ के हाथ में सबसे पहले वीणा है, सबसे बड़ा जो इसको ज्ञानी बोलता है उसको संगीतज्ञ को कहा गया है, वीणा धारणी की। इसका मतलब सरस्वती के पास, जिसके पास संगीत है वो विद्वान है, कह सकते हैं हम। तो यहाँ बोला जा सकता है एक दूसरे लफ्जों में, सेबी को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कहानी शुरू होता है आपको यहाँ से, सेबी को पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो लड़का को, छोटा सा लड़का था, नन्हा सा लड़का था। लेकिन माता पिता के जबरदस्ती से, जोर से वो लड़का स्कूल जाता था, क्योंकि माता पिता भी दुख ना हो। उन्हें लिखा हुआ था सेबी को कि बहुत बड़ा कलाकार बनने का, क्योंकि सबको ऊपर वाले भेजता है जमीन पे, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य बना के भेजता है, और जो अपने आप को पहचान लिया वो उस एरिया में चला गया, उसी समय उसी एरिया में स्टार बन जाता है। सचिन साहब को क्रिकेटर बनाया, क्या उनके माता पिता जी? नहीं, उनकी इच्छा, उनकी चाहत। माता पिता तो डरते रहते होंगे कि क्रिकेट खेलता है ये क्या होगा इससे। मेरे बच्चे, सक्सेस के बहुत सारे रास्ते हैं, इन्हें कि पढ़ करके ही आप मैथ फिजिक्स पढ़ोगे तभी तो करोगे जीवन में। तो ऐसे सचिन की उदाहरण देता हूँ, और भी सिंगर का, और भी क्रिकेटर का, और भी डांसर का, और भी एक्टर का, और भी बहुत सारे एरिया है। तो आप समझ में आ जाएगा आप लोग को कि मेरे बच्चे कि निश्चित तौर पर हमारे पास सफलताओं के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत क्षेत्र हैं। कोई खेल में चला गया तो स्टार बन गया अरबों खरबों, कोई पहलवानी में है तो वही स्टार बन गया। तो ये कहानी कहीं कुछ न कुछ यही चीज़ पर आधारित है कि केवल पढ़ाई से ही कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि उसके अलावा भी कितने चीज़ें हैं जो हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्टार्ट करता हूँ उस बंदे का जिसकी चर्चा आज कर रहा हूँ, जिसका नाम है सेबी। तो कहानी है सेबी इज पेरेंट्स, सेबी के माता पिता न्यू जानते थे कहानी यहाँ से दैट की ही ऑफन वह प्रायः वेंट आउट बाहर जाता था टू बाय हिमसेल्फ गार्ड। यानी सेबी के माता पिता जानते थे कि वो हमेशा वो लड़का खुद गार्ड्स खरीदने, गार्ड्स मतलब कद्दू होता है। अच्छा, कद्दू से देखते हो क्या आजकल व्हाट्सएप में, देखते हो क्या क्या, या यूट्यूब पर देखते हो कभी कभी कि कोई तरबूजा से एकदम कमल का फूल बना दिया, तो कभी कभी देखता है कद्दू से कुछ अलग बना दिया, लकड़ी से कभी कभी कुछ अलग बनाता है, तो देखते हो कभी कभी। तो गौर करना बात को कि कुछ लोग के पास इतना गुण होता है कि कुछ फल से या कोई फ्रूट से उस पर एक अलग आकृति बना देता है एक प्रकार के, और एक बहुत बड़ी आकृति बन जाती है, एक बहुत दाम पर बिकता है वो। ऐसे भी कलाकार हैं धरती पर एक से एक हैं, जो आप YouTube पर आजकल देखने का मौका मिलता है आप लोग को। बस समझ लीजिए, उस समय YouTube तो नहीं था, लेकिन नॉलेज जबरदस्त था वो लड़का का, कम उम्र का बच्चा का, जिसका नाम था सेबी। तो सेबी का क्या कहानी था जरा सुनिएगा। सेबी के माता पिता जानते थे कि वो लड़का जो है सेबी ना, वो जाता है बाहर और खुद जाता है, और वो जा करके कद्दू खरीदता है, वो कद्दू कह सकते हैं जिसे बोलते हैं गॉड्स खरीदता है, जी ओ यू आर डी एस गार्स, वो खरीदता है। सेबी के माता पिता जानते थे, देखिए इतना तो जानते थे माता पिता। सुनिए कहानी यहां सुनो रहा है, ही गोट देम फॉर ए फ्यू एन। देखिए यहां एन आया है, जापान के करेंसी को एन कहते हैं, एन और सेन, एन मतलब सिक्का बोलिए और सेन मतलब रुपया बोलिए। तो कहने का मतलब कि जापान के करेंसी को येन कहते हैं। तो ये उनके माता पिता तो जानता था भाई कि उसको हम बाहर जाता है और खुद जाके कद्दू खरीदता है, क्या करता है वो विशेष इंटरेस्ट नहीं लेते थे वो, लेकिन ये खरीदता था लड़का वो। आगे सुनिएगा, वह लाता था, वह उसे उसी छेन में येन में लाता था, वह कद्दू को जो लाता था ना, उन कद्दूओं को, इन गार्ड्स को जो लाता था वो लड़का प्राप्त करता था, वो कुछ ही येन देकर लाता था, वो कुछ येन मतलब कुछ रुपया कुछ सिक्के देकर के। एंड ही एंड सुन और शीघ्र ही ये साइजेबल कलेक्शन, और बहुत जल्द ही वह ढेरों संग्रह कर लिया था, वो बहुत सा अच्छी खासी साइजेबल मतलब होता है अच्छी खासी संग्रह कर लिया था वो। कहने का मतलब कि बहुत माता पिता पैसा देते थे खाने के लिए, क्योंकि भैया स्कूल जाता है बउआ, हमारे बेटा स्कूल जाए तो उसको चाट टूट खाएगा,
पोक्चा खाएगा, मिठाई उठा खाएगा, वो तो डेली दे देता था जैसे आपको मिलता है पॉकेट मनी। अब लड़का पॉकेट मनी को माता पिता जानते थे कि पॉकेट में देते नहीं, कद्दू लेके चलाता है, गार्ड्स लाता है और गार्ड्स को बहुत सारा बनाता है कुछ कुछ, तो वो जानते थे। और कुछ ही एन में, कुछ ही एन मतलब कुछ ही सिक्के में, कुछ ही चंद रुपये में वो ले आता था कद्दू को। और जल्दी जल्दी इतना ले आया मतलब खूब लाया कि बहुत ज्यादा संग्रह कर लिया, वो कलेक्शन ढेर हो गया उसका। देखते हो तुम, अब तुम बहुत सारा जींस खरीद लिया तो ढेर सारा जींस टंगा गया, ढेर सारा जींस आ गया। तो ये कद्दू खरीदता था वो लड़का, तो ढेर सारा कद्दू आ गया उसके पास और उसका कलाकृति बनाता था वो। आइए सुनते हैं वो कलाकृति क्या क्या करता था, ये अब सुनिएगा। वेन ही केम होम, और जब वो घर आता था उसको लेकर के, कद्दू को लेकर के घर आता था, वेन ही केम होम आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ गार्ड्स। सबसे पहले वो लड़का ये कद्दुआ को बजरिया से खरीदता था और जब वो घर जाता था तो वह सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसे छेद करता था, है ना, बोर है ना, छेद करता था, होल करता था, फर्स्ट बोर छेद करता था इन द टॉप ऑफ द गार्ड, उस कद्दू के मुंधिया तर, एकदम मुंधिया तर, कद्दू देख लो बड़ा कद्दुआ, ओकर मुंधिया तर टॉप हुआ तर वो छेद करता था वो लड़का जब कद्दू लाता था, तो जब गार्ड्स लाता था तो, एंड एक्सट्रैक्ट सीड्स, और बिचवा निकाल देता था। अब देखते हो कभी कभी हम लोग के गांव में क्या होता है ना कि कद्दू लोग रोपते हैं बाबू, तो कद्दू रोपता है तो बड़का कद्दू के जो जवा जाता है कद्दू खेता में, उस कद्दू को क्या करता है कि मुंधिया काट देता है और बिचवा निकाल देता है और सुखा देता है, तो एकदम बहुत अच्छा मतलब, और घर में टांग दे है सुनी, और ओकरे में बिजवा रख दे है, सड़ा है बिजवा नहीं है कुछ होबा है ओकरा साथ, बड़ी सेफ से किसान लोग भी काम करता है। तो वो लड़का वैसा ही करता था, कदुआ लाता था और वो सबसे पहले वो कदुआ के मुंधिया पर वो काट देता था और बिचवा निकाल लेता था वो, क्योंकि बिचवा निकालता था, और बिचवा निकाल करके उसे पूरे बिचवा को निकाल के क्या करता था सुनिएगा जरा सा, आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा शायद। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिप्स, और बिचवा निकाल करके बाद में वो करता क्या था, वह चायपत्तिया को उसमें लगाता था, टू गेट राइड चायपत्ती, गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गार्ड स्मेल। देखो वो जो दुर्गंध कद्दू में जो दुर्गंध आती थी ना, उस दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना होता है, तो इस कद्दू जो कद्दू होता है जब सड़ेगा बेटा तो निश्चित तौर पर बदबू मारेगा वो, गमकेगा वो, कोई भी सड़ा कोई भी चीज जैसे सब्जी तेरे पास है तो है ना कच्चा तो सूखेगा सड़ेगा तो कहीं कहीं बदबू मारेगा। तो वो लड़का चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था, टी लिप्स का इस्तेमाल करता था, कहल भे कर रहा ले, तो चाय पत्ती का इस्तेमाल करता था केवल इतना के लिए कि उसे जो अनप्लेजेंट गार्ड का स्मेल है, जो दुर्गंध है, जो दुर्गंध उसमें है, वो चाय पत्ती देने से, टी लिप्स को अप्लाई करने से, लगाने से, चाय पत्ती को लगाने से दुर्गंध गायब हो जाया करता था, गेट रिड ऑफ हो जाता था, छुटकारा पाते थे, दुर्गंध नहीं लगता था। इसलिए तो क्वेश्चन आता है कि टी लिप्स का इस्तेमाल वो क्यों करता था, क्वेश्चन ही भी आता है, तो टी लिप्स का इस्तेमाल करता है केवल दुर्गंध अनप्लेजेंट गार्ड स्मेल को रिमूव करने के लिए, गेट रिड ऑफ करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा मैं आगे। ही देन फेच द सेक, और फिर बाद में जाकर लाता था सेक को, सेक मतलब होता है बचे कुचे शराब, बचे कुचे इसको बोलते हैं, सेक मतलब होता है झोर बोलिए या बचे कुचे लिक्विड बोलिए, तो वो जाकर के सेक लाता था जो उसे प्राप्त होता था बचा करके फ्रॉम द ड्रेक्स इन हिज फादर्स का पैन केयर फुल्ली पॉलिश्ड इन द सरफेस। क्या कहता है, ही देन फेच द सेक, चायपत्ती जब लगा देता था तो चायपत्तियां लगाने के बाद वो लड़का जाकर के सेक लाता था, वो अब सेक लगाता था, ये सेक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, सेक क्या होता है। तो वो लड़का देखते हो एथी के दुकान में मैंगो सेक बिक रहा है, मैंगो सेक ये क्या है, जूस कहा जा सकता है इसको, है ना, कड़ी बोल सकते हैं उसको, झोर बोल सकते हैं बोलिए, लिक्विड बोल सकते हैं उसको। अब ये कौन लिक्विड भाई, मैंगो सेक मतलब तो मैंगो का जूस है ना, ऑरेंज सेक तो ऑरेंज का जूस तब बोला जाता है, लेकिन ये सेक को चीज कहता, सुनिएगा, वो लड़का चाय पत्ती देता था ना तब वो जा करके उस सेक को लाता था, और सेक बचता था कहां से, तो बचाता था अपने पिताजी के
जो ड्रेक्स बजता था, ड्रेक्स मतलब तलछट, यानी पिताजी इज फादर कप, वो पापा के प्याले में सावधानी से जो बचता था शराब, उस शराब के तलछट देखो दरुआ पीता है लोग तो ऊपर नीचे में नहीं बच जा है ड्रेक्सवा, अरे भाई तड़िया लेता है निजी तो तड़िया पीता है देखो बच जाता है नीचे तो फेंक जाता है। और इतना समझदार था कि पिताजी शराब पीते थे और उस शराब के कपा से जो बचा है सेव हो जाता था वो ड्रेक्सवा, उसको एक कटोरी में रख लेता था शायद में एक गिलास में एक बोतल में, और उससे उस कप उस ड्रेक्स से उसे सेक बोला गया है यहाँ, उससे को पॉलिश करता था, उसको चमकाता था जिसका बिचवा निकाला था और जिस पर चाय पत्तियाँ लगाता था, चाहे पतिया से पुलिश किया था तो उसको यूज करता था चमकाने के लिए मेरे बच्चे, और बड़ी सावधानी से उसे चमकाता था वो लड़का। हाँ समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। अब ये क्वेश्चन आया है कि नोट में, जब सेबी का पिता एक जापानी पेय पदार्थ जो चावल से बनता है सेक उसी को कहते हैं, सेक मतलब क्या हुआ, सेक मतलब है सेक का बता रहा हूं मैं, सेबी का पिता एक जापानी पेय पदार्थ जो चावल से बनता है वो पी लेता था पिता, तब से भी उस गिलास में बचे वो बूंद सेक को जमा कर लेता था जिसका इस्तेमाल वह कहीं पे चढ़ाने के लिए करता था, वो कहें कहीं पे, यानी सेक का मतलब यहां बता दिया हूं मैं कि सेक किसे कहते हैं बेटा, तो आप कह सकते हो कि सेक मतलब शराब होता है, और वो पिताजी जो जापान का शराब है जो चावल से बनता है, देखते हो चावल सड़ा, चावल सड़ा के भी देखते हो गांव में बनता है, महुआ बनाता है तो बहुत चीज को सड़ाता है, तो अलग अलग कंट्री में गरीब लोग के लिए भी अलग शराब बनता है ना, गाँव में देखते हो महुआ बनाता है महुआ चुआता है, उस प्रकार उसके पिताजी सेक पीते थे है ना, जापान में सेक चलता है और उस सेक पीते थे, उस सेक पीता था जो बचता था बाबूजी के सेक जैसे कपा के पेंदिया में, उस पेंदिया को से बचे हुए को आराम से जमा करके संग्रह करके रख लेता था और उसका यूज करता था वो। आइए पैराग्राफ टू में आ गए हम लोग, पैराग्राफ टू में आ गए हैं, बिना कहे पूछे आगे बढ़ता हूं मैं, आइए पैराग्राफ टू क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है तुमको, हाँ क्वेश्चन यहां से बनना है, हमारा मजा आएगा बनाने में। सेबी वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स, सेबी को जो था ना एकदम तहे दिल से इस कद्दू पर कुर्बान था वो, एकदम पैसिनेटली मत होता है हृदय से, इंटरेस्टेड मत होता है एकदम रुचि, तहे दिल से वो कद्दू में एकदम लीन हो गया रहता था वो लड़का, ये क्योंकि वो दीवाना था, दीवाना वो आर्टिस्ट था ना। अब देखते हो तू जैसे तुम लोग पढ़ाई के अलावा किसी और क्षेत्र में दीवानगी तू करते हो जो मुझे महसूस होता है, पढ़ाई से ज्यादा मन लगाते हो कहीं और, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, पैशनेटली इंटरेस्टेड यू आर अनदर मैटर, बट सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन ओरिजिनल ओनली गार्ड्स, वो कद्दू पर एकदम तहे दिल से रुचि लेता था लड़का, वो पैसिनेटली मतलब तहे दिल से, इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि लेना है ना, लेता था वो। वन डे कहानी शुरू होता है इसका, इसकी दीवानगी की कहानी यहां शुरू है पैरा टू में, दीवानगी की कहानी, दीवानगी नंबर कह रहा है सुनिएगा। वन डे एक दिन की बात है, अरे भाई स्टार्ट हुआ कहानी मजेदार, एक दिन सेबी जो था ना सेबी आए, जैसे ही सेबी एक दिन जब वह ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, समुद्र के किनारे एक बार वो लड़का टहल रहा था, एक बार की बात है वो लड़का समुद्र के किनारे किनारे बीच मतलब समुद्र तट, अलोंग मतलब किनारे किनारे, स्ट्रोलिंग मतलब घूम रहा था फिर रहा था घूमना फिरना, एक बार की बात है सेबी वो लड़का समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था है ना, भ्रमण कर रहा था, एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन अपने एब्जॉर्ब्ड इन, देखो ये वर्ड को याद रखना तुम लोग, मिस करोगे बर्बाद हो जाओगे, एब्जॉर्ब्ड एक ऐसा शब्द है इसमें इन लगाया जाता है, एब्जॉर्ब्ड इन लीन, अपने पसंदीदा विषयों में वो लीन था, घूम तो जरूर रहा था लेकिन दिमागवा उनका बार बार कद्दूए पर चल रहा था, क्योंकि वो लड़का दीवाना था, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स था वो कद्दू पर, तो वो लड़का समुद्र के किनारे किनारे परिभ्रमण कर रहा था, घूम रहा था अचानक और घूम भी रहा था, दिमाग कहाँ है उसका, उस एब्जॉर्ब्ड इन तल्लीन था, लीन था कोची में लीन था भाई, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, कलेक्टिंग गार्ड्स, कद्दू को संग्रह करना है ना, हाँ नो नो ओके चलिए देखते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट में लीन था, ही वाज स्टार्टल्ड बाय अनयूजुअल साइट, वह एक
वाज स्टार्टल्ड बाय अनयूजुअल साइट। वह एक अजीब सा नजारा देखकर चौंक गया। अनयूजुअल साइट का मतलब क्या होता है? अजीब सा नजारा देखकर ही वाज स्टार्टल्ड, चौंक गया वो लड़का। दिमाग तो थे, केवल कदम था उसका, और स्टार्टल्ड हो गया अनयूजुअल साइट देख करके। ही काउट ए ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड, उसकी निगाहें एक झलक एगो गंजा आदमी पर चला गया। इलोंगेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी का एक लंबा सिर था उस पर उसके, और बाल्ड था वो। ये बूढ़ा आदमी गंजा था, गंजा मतलब उसके बॉडी में हेयर नहीं था। बाल्ड मतलब गंजा, बी ए एल डी बाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा। तो एक व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति के लंबे बाल, लंबे सिर, जिसका गंजा था उस पर निगाह चला गया वो लड़का का। टकला बोलते हैं, बाल्ड मतलब टकला भी कह सकते हैं हम लोग। तो कहता है एक बूढ़ा आदमी जिसके चौड़ा सर था, इलोंगेटेड मीन्स लंबा चौड़ा बोलो, था देख लिया वो, है ना। चलिए, व्हाट आई थॉट सेबी, है ना, आगे सुनिएगा। सॉरी, एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाई द बीच, उस समुद्र के झोपड़ियों में से किसी एक झोपड़ी से वो बाहर आ रहा था वो व्यक्ति। कौन? ये बूढ़ा व्यक्ति जिसका लंबा बाल था, गंजा था, टकला था, और वो दूर में था समुद्र किनारे झोपड़ियों में से। समुद्र किनारे झोपड़ी बनता है ना, उसी झोपड़ियों में से एक झोपड़ी से वो बूढ़ा आदमी जल्दीबाजी में, हड़बड़ में वो आ रहा था, और मुड़िया दिखाई दे रहा था, खाली गंजा बाल दिखाई दे रहा था उसको। सुन रहे हो अब होता क्या है जरा। व्हाट आई थॉट सेबी द ओल्ड मैन, यहां है देखा। व्हाट आई थॉट, जो मैंने देखा, द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द साइट, अचानक देखा और वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, और वो बूढ़ा आदमी अपना लंबा तार जैसा लंबा सर को हिलाते हुए, वैगिंग करते हुए, हिलाते हुए गायब हो गया बूढ़ा आदमी। वनली देन, वो बूढ़ा आदमी के माथा का वो लड़का में क्या समझ बैठा था पता है तुमको? बूढ़ा आदमी के माथा को समझ गया था गार्ड्स कद्दू समझ गया था वो लड़का, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी का बाल को टकला था और दूर में झोपड़ी के ऊपर से दिखाई दे रहा था, बाकी तो सर दिखाई नहीं दे रहा था, खाली मुड़िया टकला दिखाई देता। उसको लगा कि कद्दू है, और सोचा दौड़े कद्दू, बड़ा अच्छा कद्दू मिल गया हमको, दुनिया नजर पड़ रहा था, लगे छनिया पर रखा ले कद्दू, कद्दुआ के ऊपर छनिया से खाली दिखा दिया जा रहा था, समझ बात को। और जब वो बूढ़ा आदमी हड़बड़ में निकला तो अचानक गायब हो गया, देखा रही तो बूढ़ा आदमी था, तो अपने आप पर वो लड़का चकाचौंध हो गया, हंसने लगा। अब क्या होता सुनिएगा। वनली देन, तब जाकर डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाकर सेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली, और वहां से वो हंसते हुए, वहां हंसते हुए खुद, है ना, खड़ा होकर खुद पर जोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, वह पूरे घर हंसते हुए आया, पूरे घर हंसते हुए आया। मेरे बच्चे, अभी अब आपको ज्यादा सेवा आज नहीं कर पाऊंगा, आज की सेवा केवल इतना खत्म करता हूं मैं, केवल हाफ एन आवर, एक घंटा नहीं, आधा घंटा का वीडियो देने का प्लानिंग किया हूं मैं। आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो वाचिंग बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर हम वीडियो लंबा करते जाएंगे। अभी मैं केवल इतना ही दिया हूं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे फिर मैसेज करता हूं। प्लस टू वाले बच्चे के पास अगर टाइम हो तो कल से प्रयास करो आने के लिए, सब लोग बुला रहे हैं, कल से आइए, जो चल रहा है शुरू होगा पूरे तन मन धन से। परी बोल रही है सर ये सब फिर कल से क्लास में होगा। सर परी क्लास में तो होगा, परंतु शायद इसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो उसको लास्ट टाइम लेके चलेंगे सोचेंगे हम, क्योंकि तुरंत तो नहीं पढ़ाएंगे बेटा, और हो सकता है टाइम मिल गया तो पढ़ा दिए, नहीं टाइम मिला तो भी नहीं, प्रयास कर रहा हूँ तेरे लिए बेटा, रियली में तेरे लिए खट रहा हूँ मैं, ये तो कन्फर्म जान रहे हो तुम। और तुम क्या कर रहे हो, मजा ले रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और मैं तेरे लिए खट रहा हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो ऑफलाइन उसको बाद में बहुत सारे हो सको मगर दिगर भी कर दूँ बच्चे। तो याद रहे, निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, आप लाइव में बने रहिए, मोबाइल है तो लाभ लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं चैनल बनाया हूँ, यानी कि ओके लाइव ऑफलाइन चलेगा, कल से भी ऑनलाइन चलेगा, ये लेक्चर 2 कल पढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।
एंड गुड नाइट। ऐसे कैसे होता है सर, कुछ लोग ऐसे प्राप्त इन गड़बड़ में।